पिछड़ा दलित तो ओबीसी कब तक चलेगा आखिर आजादी के पिछहत्तर वर्ष पूरे हो चुके हैं देखिए जब तक कास्ट तक कास्ट सिस्टम है है। तब इमरजेंसी लागू हुआ डीआईआर लागू हुआ मीसा लागू हुआ मैं भी गिरफ्तार हुआ था बाईस महीना तक जेल में था जे। इससे भी छोटा कमरा था दस बाय महीने तक रहा था क्योंकि फकरुद्दीन अली अहमद ने, ने इतराज किया था कि भाई कैबिनेट का नहीं है तो मजबूरी में दस्खत कर किए थे सरकार का काम है संसद का काम है कि कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में देश के आने वाली पीढ़ियों को सतत जानकारी देते रहे तो इसका मतलब जनता ने कहा कि हम चेतावनी दे रहे हैं लेकिन हम हटाना नहीं चाहते हैं। तुम्हारे बदले हमारे सामने कोई दूसरा अच्छा विकल्प नहीं है और वो काका काले की सिफारिश रही नहीं लागू हुआ फिर बीपी मंडल कमीशन जनता पार्टी की सरकार में चरण सिंह जी ने बनाया उसकी सिफारिश आई वो उतने दिन तक पड़ा रहा फिर बीपी मंडल आए तो उस सिफारिश को लागू की बीपी सिंह ने लागू बीपी सिंह की, बी की। बी दुर्भाग्य है इस देश का जिस नेता के बारे में ज्यादा अध्ययन होना चाहिए उस वो नेता वो नेता इतिहास में गौन रब, गौन बना दिया कांग्रेस पार्टी तो इसलिए गौन किया क्योंकि जवाहरलाल के प्रबल प्रति, प्रतिद्वंदी थे डॉक्टर लोहिया तो डॉक्टर लोहिया की जो नीति है डॉक्टर लोहिया सामाजिक विषमता और आर्थिक विषमता दोनों को लेकर चलते थे कि ब्राह्मण गरीब होते हुए भी अपने को समझता है मानसिक तौर पर कि मैं ये जो गरीब है पिछड़ा और दलित वाला मैं उसे ऊंचा हूं क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं तो ये ये जो भाव है ये है जन जाति के कारण अगर कैपिटलिज्म है तो अंबानी और अदानी भी रहेंगे टाटा रहेंगे बिरला रहेंगे अगर आप दलितों के साथ पिछड़ों के साथ जाइए तो राम और सबरी का जो भाव है उस भाव से जाइए कोई कहे हम पिछड़ों का दलित का उद्धार करना चाहते हैं तो मैं कह रहा तुम उद्धार करने वाला कौन है तुमको क्या अथॉरिटी है डॉक्टर अंबेडकर भी महान बने लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के साथ साथ उस समय उस ब्राह्मण शिक्षक ने अपने समाज के तिरस्कार को सहते हुए डॉक्टर अंबेडकर को शिक्षा देने का जो न, साहस किया तो डॉक्टर अंबेडकर के साथ साथ उस समय का वो ब्राह्मण शिक्षक भी बंदनीय है कि जात की आधार रोटी नहीं है जात की आधार बेटी है अगर उ... सबर्ण में से बेटा हो तो पिछड़ा या दलित की बेटी हो अगर इस इस जल, इस इस वर्ण इस के बेटी हो तो इस वर्ण का बेटा हो पर... आ, मतलब आ, स्वर्ण वर्ग की बेटी हो तो दलित वर्ग का बेटा बेटा हो तब समानता है। तो डॉक्टर लोई ने कहा कि जब ये जाति तोड़ करके शादी करोगे तो आने आते 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 हिंदुस्तान में 150 बरस में हिंदुस्तान के अंदर ये जातियां मिट जाएगी और तब हिंदुस्तान के अंदर एक जाति रहेगी वो जाति होगी भारतीय सरकारी नौकरी के लिए सरकारी नौकरी और सरकार से प्राप्त सुविधा के लिए अंतर जातीय विवाह अनिवार्य होगा दोस्तों सादर मैं हूं महेश कुमार आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया आज हमारे साथ हैं खास मेहमान नारायण यादव उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से सम्मानित पद्म विभूषण से सम्मानित पूर्व केंद्रीय मंत्री जाने माने किसान नेता जाने माने विचारक चिंतक विभिन्न विषयों पर पकड़ रखते हैं आज एनजेपी स्टूडियो में पहुंचे हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है एनजेपी मंच पर आप पहुंचे धन्यवाद धन्यवाद आपका भी स्वागत आपके सभी श्रोताओं का भी अभिनंदन आज हम एक जटिल विषय को लेकर के आपके सामने जो है कुछ सवाल रख रहे हैं उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमारे दर्शकों को संतुष्ट करेंगे उन्नीस में आपातकाल लागू हुआ था पच्चीस जून की जो तारीख है अब सरकार ने उसको संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया है आप सत्ता में रहे हैं आप विपक्ष में भी रहे हैं आप समाजवादी आंदोलन से भी जुड़े हैं लोहिया की विचारधारा को भी आपने पोषित किया है क्या मानते हैं क्या उन्नीस के बाद आज इस स्थिति में आना चाहिए था संविधान हत्या दिवस घोषित करना चाहिए था कितना उचित है कितना अनुचित है क्या मानते हैं आप केंद्र सरकार के फैसले को देखिए एकांगी प्रश्न है जब किसी प्रश्न को समग्रता में जब व्याख्या होती है तब उसकी पूरी विचार पूरे विचार को समझने में लोगों को सहायता मिलती है और अच्छा लगता है एक संविधान का जो हत्या दिवस के रूप में है वो एक संविधान से जुड़ा हुआ एक प्रसंग है एक प्रसंग जी। इससे पहले और भी कई प्रसंग आ चुके हैं जी लेकिन यह प्रसंग इसलिए महत्वपूर्ण है कि बिहार आंदोलन हुआ था इंदिरा गांधी जी के ऊपर जो चुनाव रद्द हुआ था चुनाव का केस था मुकदमा राज जी ने किया था उनको छ साल के सत्ता के दुरुपयोग आरोप चुनाव लड़ने से वंचित किया था चुनाव खारिज किया था फिर उसी से जुड़े हुए जो फिर संसद में कानून आए थे और जिस कारण से उनके चुनाव को रद्द किया था उन कारणों में संशोधन करके उसको भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया था कानून जिसके कारण उनके जो कपूर जो उनके बने थे इलेक्शन एजेंट सरकारी कर्मचारी रहते हुए जी जी। तो वो निष्प्रभावी हो जाए जी जी। तो एक तो मान लीजिए जब अदालत ने दोषी सिद्ध किया जी। और अदालत के फैसले को बदलने के लिए संसद का बहुमत का दुरुपयोग करते हुए जी। यह कानून बना दिया जाए कि यह जिस कानून के तहत इंदिरा गांधी जी का इलेक्शन रद्द किया गया है, पिछली तारीख से कर दिया वो कानून छ महीना पहले से लागू होगा अर्थात वो जिस कानून के चालू वो कानून को छ महीना पहले रद्द समझा जाए तो मान लीजिए मैं भारत के तमाम न्यायविदों से बुद्धिजीवियों से संविधान शास्त्रियों से या कानून जानने वाले से या युवा वर्ग से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह निर्णय उचित था कि किसी प्रधानमंत्री को बचाने के लिए कानून को निष्प्रभावी करने के लिए भूतलक्षी प्रभाव से बहुमत के आधार पर किया जाए वहीं से ये सब बातें निकलती है जे जे। तो उसी के अपने बचाव में तव... इमरजेंसी लागू हुआ डीआईआर लागू हुआ मीसा लागू हुआ मैं भी गिरफ्तार हुआ था बाईस महीना तक जेल में था जी जी इससे भी छोटा कमरा था दस 6, छ मैं बाईस महीने तक रहा था अस्सी किलो वजन था जब जेल में गया निकला तो मेरा वजन साठ किलो था उस बाईस महीना में, में मेरा बीस किलो बीस किलो वजन घट एक साथ साथ ये भी बता दीजिए जेल में उस समय क्या यातनाएं भी दी गई थी अब बताइए दस बाय सेल जिसको कहते हैं खतरनाक बंदी <laughs> वो अपने आप में यातना अपने आप में यातना है, यातना है। दस बाय छो का ना उस समय लेटरिन नहीं था एक चौकी उस पर रख दिया पीछे एक घड़ा उसमें एक मग एक घड़ा पानी एक मिट्टी का गमला आपको अगर शौच जाना हो तो उस गमला में शौच करिए और सवेरे जब गेट खुलेगा तो सफाई वाला आवे तो आवे नहीं तो हम लोग सफाई का वाली का इंतजार नहीं करते थे क्योंकि उस गमला को उठा के बाहर रख देते थे क्योंकि अब खुद ग... अब रहना पर... रह तो रहो गंदगी में आप फिर उसके आगे ऐसा घेरा इस सेल का गेट लोहा वाला और उसके आगे ऐसे चढ़ वाली से इतना इतना ही बड़ा घेरा खूंखार कैदी की तरह हाँ ईट आगे लकड़ी की दीप के बाढ़ इसको खोल दे और उसकी चढ़ा दे फिर इसमें रहिए कि उसमें रहिए ऐसे हजारों थे लाखों थे अपराध किया था उनका कोई अपराध मतलब उन लोगों ने कोई हिंसक क्रांति की हो तोड़फोड़ की हो कुछ नहीं वो तो बिल्कुल संवैधानिक तरीके से अहिंसक तरीके से सत्याग्रह कर रहे थे ये एक मेरे मन में सवाल है कहते हैं कि उस समय ना को उकसाया गया रेलवे कर्मचारी को जॉर्ज की हम बात करें रेलवे कर्मचारियों को उकसाया गया कि सरकार का आदेश मानने से इनकार कर दो जो है एक तरह से राष्ट्रद्रोह जैसी बातें कांग्रेस का पक्ष कहता है मुझे उस समय की याद नहीं है आप पुराने नेता हैं आप ज्यादा अच्छे तरीके से व्याख्या कर सकते हैं देखिए पुलिस को कहा गया कि आदेश, आदेश मत जब स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र रेल मंत्री थे उससे पहले तब जॉर्ज फर्नांडिस ने रेल स्ट्राइक कराया था जो ऐतिहासिक था ऐतिहासिक था तो कहाँ इमरजेंसी लगा उसके पहले भी जो जितने ट्रेड यूनियन है मजदूर संघ चाहे वो वामपंथी के हो चाहे भाजपा के मजदूर संघ हो चाहे कांग्रेस के प्रायोजित संस्था हो तो ये सब हड़ताल कराते रहते हैं तो कहाँ कहाँ लगाया गया दूसरी बात लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने आन, वहां जो रामलीला मैदान है उस सभा में उन्होंने कहा था कि भारत के प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस पुलिस को सरकार के गलत आदेशों का पालन नहीं करना चाहिए वो तो सही था ये नहीं कहा गया था कि सरकार के खिलाफ विद्रोह करो सरकार के गलत आदेश का पालन नहीं करना चाहिए था मतलब कि रामलीला मैदान में शांतिपूर्ण सभा हो रही है और इस समय अगर सरकार कहे लाठी चार्ज करो तो पुलिस को नहीं करना चाहिए नहीं। क्योंकि शांतिपूर्ण सत्याग्रह करना महात्मा गांधी ने असर दिया था जिसको समाजवादी लोहिया डॉक्टर डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि इस इस शताब्दी का दो महान दो महान चीज है जो दुनिया को मिली है एक गांधी का शांतिपूर्ण सत्याग्रह अहिंसात्मक सत्याग्रह और दूसरा आइंस्टाइन का एटम या तो गांधी के इस रास्ते से दुनिया बचेगी और नहीं तो आइंस्टाइन के एटम वाली दुनिया से दुनिया जाएगी अब दुनिया वाले को सोचना बचाना है कि दुनिया को तबाह हाँ, हाँ, हाँ। तो जो शांतिपूर्ण सत्याग्रह है अहिंसक सत्याग्रह आजादी का मूल मंत्र था आज भी आज भी हर नागरिक को अधिकार है कि सरकार के किसी आदेश के खिलाफ वो शांतिपूर्ण अहिंसक सत्याग्रह करे संविधान सम्मत अधिकार आ, हाँ अहिंसक सत्याग्रह का मतलब हम लोग उस समय कहते थे हमला चाहे जैसा होगा हाथ हमारा नहीं उठेगा ये ना, नारा था हाँ न मारेंगे न मानेंगे अपना हक हम लेके रहेंगे हमला चाहे जैसा होगा हाथ हमारा नहीं उठेगा तो तो गांधी गांधी की गांधी की राह राह थी उस समय लोहिया ने समाजवादियों को एक चेतावनी भी दी थी कि जब तक हिंदुस्तान में ये दो आरजक तत्व चलते रहेंगे तब तक हिंदुस्तान की स्थिति नहीं सुधरेगी और ना नागरिक आजादी सुरक्षित रहेगी एक तरफ भीड़ के हाथ में पत्थर दूसरे तरफ पुलिस के हाथ में गोली तो जब तक भीड़ के हाथ में पत्थर रहेगा तब तक पुलिस को गोली चलाने की का अधिकार रहेगा इसलिए पुलिस की गोली न चले इसलिए भीड़ को अहिंसक रहना चाहिए अपने हाथ से पत्थर को फेंक देना चाहिए दे। फेंक देना चाहिए बुनियादी सत्याग्रह हो ये बुनियादी बुनियादी चीज है सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह आग्रह अब यहाँ कुछ तीन दो शब्द और बता दूं एक है आग्रह एक है पूर्वाग्रह एक है दुराग्रह एक है अनुग्रह इतने ग्रह हैं तो सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह हम आग्रह जैसे आपके यहाँ आए आप आग्रह कर रहे कॉफी पी लीजिए चाय पी लीजिए तो ये हो गया आग्रह और आप कहेगा कि नहीं पीजिएगा तो आपके माथा पर उझल देंगे सत्याग्रह नहीं हुआ ये हिंसक हो गया जबरदस्ती हो, जबरदस्ती तो ये बहुत अलग चीज है तो इसी पर लगा, जेल में गए, कितने लोग कि बीमारी हुई कितने क्या हुआ वो, वो, वो भगवान जाने उस पीरा की कहानी शायद जब डॉक्टर लोहिया ने एपिसोड ऑफ जोग किताब लिखी है जब लाहौर फोर्ट में वो बंद थे और आजादी के समय में उनके साथ जो यातनाएं दी जा गई आ, कैसे उन्होंने बर्दाश्त किया था उसी पर वो लेख है उनका कि योग योग के योग के द्वारा यो लोग कैसे असहनीय वेदना को भी सह सकते हैं तो भोगा लो चुनाव हुआ सरकार बनी जो सरकार चुन के आई उस सरकार ने उसमें संशोधन किया दूसरा उसमें था कि राष्ट्रपति के पास में जो कुछ भी भेजा जाएगा पहले कैबिनेट में अप्रूवल से कैबिनेट के अप्रूवल के बाद जाएगा कैबिनेट के कैबिनेट की सहमति से उसमे लिखा जाएगा कि यह मंत्रिमंडल के द्वारा पारित है भेजा जाएगा लेकिन इमरजेंसी का जो प्रस्ताव है वह पहले लागू कर दिया गया तब कैबिनेट में कैबिनेट द्वारा पास किया गया पहले चला गया रात को ही हो गया था रात को रात को कैबिनेट बैठक सुबह हुई <laughs> क्योंकि फक्रुद्दीन अली अहमद ने इतराज किया था कि भाई कैबिनेट का नहीं है तो मजबूरी में दस्तखत कर किए थे और सच्चाई बताते उससे पहले वो भगवान के प्यारे भी हो गए थे अब दुनिया जाने की इसके बीच में क्या रहस्य है रहस्य क्या है, तो 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 फिर हुआ, तो जब में सरकार बनी, तो उसने इसमें सुधार किया सुधार किया तो अब जो लोग कहते हैं कि भाई ये लगा ये लगा नहीं मामूली घटना नहीं थी ये आजाद भारत में ये सबसे दर्दनाक और सबसे ज्यादा नागरिक अधिकारों की हनन करने वाली हिटलर हिटलर वादी तानाशाही रवैया था और तानाशाही के खिलाफ हिंदुस्तान के आम लोगों का जंग था और उस जंग में आम लोग जीते थे तानाशाही हारी थी क्योंकि पार्लियामेंट में लेकिन हम तो आपसे जो जानना चाह रहे हैं वो विषय ये है कि 1980 का जो लोकसभा चुनाव हुआ सतहत्तर के बाद में और जो संयुक्त विपक्ष था जो सत्ता में आया वह विखंडित हो गया अलग अलग पार्टियां बन गई लोगों ने कांग्रेस पर फिर भरोसा जताया इंदिरा गांधी को फिर सत्ता में लाए तो एक तरह से जनता ने माफ कर दिया कांग्रेस को तभी तो सत्ता में आई फिर इतने साल बाद संविधान हत्या दिवस क्यों मनाया जाएगा ये तो नहीं लड़ा गया था अस्सी का चुनाव कि इमरजेंसी लगाया गया था वो सही था दूसरे विषय थे जनता पार्टी की सरकार असफल हो गई आपस में टूट गए मध्यावधि चुनाव हो गया मध्यावधि चुनाव हुआ लेकिन जनता पार्टी की सरकार की के द्वारा इमरजेंसी के संबंध में और कैबिनेट के संबंध में जो यह दिया गया उसी में दिए प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति चाहे तो मंत्रिमंडल के फैसले को वापस कर सकते हैं पुनर्विचार के लिए जी जी लेकिन कैबिनेट अगर दोबारे फिर उसको भेजे तो वो राष्ट्रपति को सिग्नेचर करने पड़े अनिवार्य तो एक लगाया ना कि भाई इस पर विचार होना चाहिए वो, 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 वो सब लगा तो देखिए वो बात कुछ भी हो कुछ भी हो लेकिन घटना एक घट गई घटना एक घट गई उसके बाद तो बहुत चुनाव हुए कांग्रेस फिर कई बार सरकार बनाई तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो कुछ भी हुआ था वो उस मतलब जो दाग था वो बरकरार रहा वो, 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 वो धुला नहीं धुल गया नहीं। वो दाग वो दाग किसी व्यक्ति पर नहीं है वो दाग किसी संस्था पर नहीं है वो दाग भारत के संवैधानिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था के चेहरे पर ऐसा दाग है जो जब तक भारत में यह संवैधानिक व्यवस्था से लोकतंत्र रहेगा तब तक वह दाग स्पष्ट तो जो अब संविधान हत्या दिवस का अनाउंस किया गया है इससे क्या उस पर असर पड़ेगा जो है देश के जो नई पीढ़ी के लोग हैं अब उनको भी नहीं मालूम है कि इमरजेंसी क्यों लगा था इमरजेंसी में क्या हुआ था किस कारण से तो देश के जो नई पीढ़ी के लोग हैं, युवा पीढ़ी के लोग सरकार का काम है संसद का काम है कि कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में देश के आने वाली पीढ़ियों को सतत जानकारी देते रहे जीज़ी। सतत जीज़ी। लोकतंत्र में नागरिकों की सतत जागरूकता ही लोकतंत्र का प्राण है जी जी। ये अरस्तु ने कहा है तो जो सतत जागरूकता लोकतंत्र में लोगों में आवे तो तब आएगा जब उनको जागरूक करने के लिए कोई व्यवस्था होगी कोई संस्था होगी तो एक तो सार्वजनिक एनजीओ है संस्था एक आप लोगों की संस्था है समाचार वाले देने वाले सब और दूसरा सबसे बड़ा संस्था है संसद सबसे बड़ा तो संसद के द्वारा उन चीजों उन चीजों को याद कराते रहना चाहिए लोगों को कि ऐसा भी हुआ था और कोशिश करो कि फिर कभी ऐसा न हो जी। और ऐसा यदि हो तो जनता को भी वैसा ही करना चाहिए जैसा सतहत्तर में किया था ये तीन बात है इसमें जी। ये बात तो नहीं है कि केवल काला दिवस मनाने से केवल जी, निंदा है उसमें चेतावनी भी है कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति फिर नहीं हो और अगर पुनरावृत्ति हो तो फिर जनता को वैसा ही करना करना चाहिए हर बार जैसा सतहत्तर में जनता ने किया था अपने लोकतांत्रिक अधिकार के द्वारा उस सरकार को हटा दिया था चलिए हुक्म देव नारायण यादव इसको जस्टिफाई कर रहे हैं इसको सही ठहरा रहे हैं केंद्र सरकार के फैसले को आपके हाथ में भारत का संविधान है 2024 का जो चुनाव हुआ तो भारत के संविधान पे ही लड़ा हुआ <laughs> संविधान बचाओ राहुल गांधी लगे रहे पूरी कांग्रेस पार्टी लगे रहे और वो निन्यानवे तक पहुंच गए और आप भारतीय जनता पार्टी आप रिटायर बेसक हैं आस्था तो भारतीय जनता पार्टी में रही है दो पर आकर के टिक गई ये संविधान का जो असर रहा कैसे देखते हैं 2024 के चुनाव परिणाम को देखिए देखिए अगर देखे। अगर इसके कारण इंडी गठबंधन को बहुमत मिल जाता तो इसका मतलब हुआ कि जनता का बहुमत इनके इनके राय के साथ है राय के साथ है भारतीय जनता पार्टी का अपना बहुमत था उसमें कमी आई कमी आई अर्थात आजाद भारत में जितने चुनाव हुए चुनाव में जो कभी गठबंधन की सरकार बनी आजाद भारत में जितनी उसमें किसी भी पार्टी को 200 से अधिक सीट नहीं था सबसे बड़े दल को सबसे बड़े दल को यह पहली बार है कि सबसे बड़े दल को 240 सीट है जी। तो इसका मतलब जनता ने कहा कि हम चेतावनी दे रहे हैं दे जी। लेकिन हम हटाना नहीं चाहते जी तुम्हारे तो बदले हमारे सामने कोई दूसरा अच्छा विकल्प नहीं है तो जब विकल्प नहीं है, तो हम तुम्हारे साथ हैं, चेतावनी के साथ लेकिन हम चेतावनी दे चेतावनी जैसे कोर्ट चेतावनी नहीं देता है सब ढंग से चलिए भाई ढंग से चलिए <》ुणुण>। तो एक माने मेरे, मेरे निष्पक्ष भाव से जनता ने एक बार चेतावनी दिया आप आप पर भरोसा है भरोसा है लेकिन आप भी जरा संभल, संभल के चलिए सावधानी बरतिए अब वो सावधानी किस किस चीज के लिए है उसका विश्लेषण करना चाहिए करते हैं भाजपा वाले कर रहे होंगे जी, ये भाजपा का एक अपना सिस्टम है संघ परिवार भाजपा उसमें विश्लेषण करने वाले हैं वो कर रहे होंगे कर, कर रहे हैं निकाल रहे हैं कि क्यों क्या किस कारण से हुआ तो एक, एक बड़ी बात आप देखते हैं पिछले बहुत काफ़ी समय से एस के आरक्षण की तो बातें क्लियर है उनको तो मिल ही रहा है विधानसभाओं में इनमें एक बड़ी बात ये आ रही है कि जब उच्च स्तर पर सेक्रेटरीज़ की बात है आई ऑफिसर्स की बात है भारत सरकार के सचिवालयों की जब हम बात करते हैं तो राहुल गांधी बहुत बार ये मुद्दा उठा चुके हैं कि ओ के पाँच से छः परसेंट और उनके पास जो भारत का जो टोटल बजट है उसका नियंत्रण पाँच से छः परसेंट है तो ये जो विषमता है इसको लेकर के राहुल गांधी कह रहे हैं भारत का संविधान समानता की बात करता है पिछड़ा वर्ग की जब बात आती है जो 50 परसेंट के करीब रहती है लेकिन जब सत्ता में भागीदारी की बात होती है तो हम 10 परसेंट भी नहीं पाते आई एस ऑफिसर में तो ये जो नारे उठाए हैं इनका कहीं ना कहीं नुकसान नहीं देखते आप अच्छा एक बात समझिए आपके यहाँ भोज हुआ जी और आप दस से लोगों को भोज खिलाते आए जी ये संजोक से मेरे यहाँ भोज हुआ जी। तो आप कहते हैं कि हुकुमदेव जी को अपने भोज में ये, ये सामान सब खिलाना चाहिए जी जी। खिलाना चाहिए तो मैं कहता हूं कि महेश जी से पूछो कि उनके यहाँ जो इतने दिन दस बरस से भोज हुआ था उसमें क्या क्या खिलाए थे मेरे से कह रहे हैं जब मैं ये पूछता हूं तो महेश जी का उसको छोड़िए ना नहीं लोकतंत्र में लोकतंत्र में अगर किसी पर आप आरोप लगाते हैं तो स्वयं पर लगाए गए आरोप का भी संतोषजनक उत्तर दीजिए लोकतंत्र क्या है लोकतंत्र है संवाद उत्तर, उत्तर, उत्तर प्रति उत्तर उत्तर प्रति उत्तर आप संपूर्ण भारतीय धर्मशास्त्र बांग में को पढ़ेंगे तो प्रश्न उत्तर ही तो है सक बिना कृष्ण अर्जुन का क्या है वो संवाद ही है प्रश्नोत्तर अगर अर्जुन के जैसा प्रश्न पूछने वाला आज मिल जाए और कृष्ण के जैसा उत्तर देने के लिए तो आज कृष्ण अर्जुन को हटा दीजिए तो बोलिए कोई मैं यहाँ पर फिर निष्पक्ष कहता हूँ किसी पार्टी में देखे। देखे। या किसी उस पार्टी के विरोधी में अर्जुन जैसा धैर्य और कृष्ण जैसा उदारता और शालीनता है उत्तर देने में कभी कृष्ण उत्तेजित नहीं होता है जब अर्जुन कहता है कि सांख्योग और कर्म योग की बात आप करते हैं तो आप एक बताइए ना दोनों श्रेष्ठ तो अर्जुन कहते हैं कृष्ण कहता है कि तुम चिंता क्यों करते हो सांख्य योग और कर्म योग दोनों ही अपने आप में श्रेष्ठ है इस परिस्थिति में कर्म योग है इस परिस्थिति में सांख्य योग है हम इसको इस तरह देखें हाँ। कि जो कांग्रेस सवाल उठा रही है उनका कार्यकाल लंबा रहा वो क्यों नहीं कर पाए दूसरों पर उठा उठा रहे हैं सवाल जो नहीं उनका तो वो भी इसी का मामला 1952 से चला काका कालेलकर कमीशन से जी आते आते मंडल कमीशन तक आया बीपी बीपी सिंह जब उसको लागू किए वहां तक काका कालेलकर की सिफारिश तो मानी नहीं गई थी नहीं मानी गई तो प्रारंभ हुआ वहां से और वो काका काले करके सिफारिश रही नहीं लागू हुआ फिर बीपी मंडल कमीशन जनता पार्टी की सरकार में चरण सिंह जी ने बनाया उसकी सिफारिश आई वो उतने दिन तक परा रहा फिर बीपी मंडल आए तो उस सिफारिश को लागू किया बीपी सिंह ने लागू बीपी सिंह ने, ने वो भी अधूरा क्योंकि उस कम चौधरी देवीलाल के डर से हा नहीं था तो कहीं ना कहीं था कुछ था लेकिन उस मंडल कमीशन में दोनों सिफारिश है आ, कई तरह से आर्थिक और सामाजिक कि सामाजिक तौर पर पिछड़ा है तो इसके निपारण के लिए ये होना चाहिए जे जे। और आर्थिक तौर पर पिछड़ा है तो उसमें ये ये तो, तो उन्होंने ये दिया था कि जो ओबीसी समाज के लोग हैं जो हिंदुस्तान में सबसे पहले देखिये एक बात हिंदुस्तान के तमाम बुद्धिजीवियों से जुबा से विश्वविद्यालय के लोगों से कहूंगा कि दुर्भाग्य है इस देश का कि जिस नेता के बारे में ज्यादा अध्ययन होना चाहिए उस वो नेता वो नेता इतिहास में गौन रप, गौन बना दिया नेपथ्य में है कांग्रेस पार्टी तो इसलिए गौन किया क्यों कि जवाहरलाल के प्रबल प्रति, प्रतिद्वंदी थे डॉक्टर लोहिया संसद में उनको जो डॉक्टर लोहिया नंगा किए थे कहीं किसी ने नहीं किया और दूसरे बात कि वामपंथी उनको अपना दुश्मन मानते थे क्योंकि वो कॉम्युनिज्म मार्क्सिज्म के विरोधी थे और जो राष्ट्रवादी थे उस समय दक्षिण पंथी राष्ट्रवादी वो उनको मानते थे कि समाजवादी माने ये कम्युनिस्ट हैं बिना समझे हुए कि डॉक्टर लोहिया का सोशलिज्म है वो कम्युनिज्म नहीं है डॉक्टर लोहिया का सोशलिज्म है मुलायम सिंह जैसे लोग आए थे जो उनको मानने वाले जो आए लालू प्रसाद भी लेकिन एकांगी 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 हम महेश जी के यहाँ भोज खाने गए पत्ता पर बहुत तरह के व्यंजन थे किसी ने पूछा भोजन कैसा था तो हमने कहा रसगुल्ला एक नंबर था जी, जी। इसका मतलब बाकी चीज खराब था बाकी चीज खराब था और जो अच्छा होगा वो कहेगा भोजन समग्र समग्रता में सब जो भी सामान था अति उत्तम था जी, जी। तो डॉक्टर लोहिया की जो नीति है डॉक्टर लोहिया सामाजिक विषमता और आर्थिक विषमता दोनों को लेकर चलते तो लोहिया थे तोड़ना है, जी और दोनों को है। जी अगर दोनों को नहीं तोड़ोगे तो एक टूटेगा भी तब भी वो नहीं टूटेगा हु, हु, क्योंकि दूसरा उसको बचाएगा हु, हु, तो दोनों हथौड़ा लो और दोनों पत्थर पर ऐसे समान रूप से चोट मारो समान आर्थिक विषमता सामाजिक विषमता गरीबी के कारण भी विषमता है गरीबी के कारण विषमता में कोई जात नहीं है जी। एक ब्राह्मण भी गरीब है जी। एक दलित भी गरीब है आ भूख जब दोनों को लगती है तो दोनों की पेट की आते वैसी ही ऐटती है उसमें ब्राह्मण भूख नहीं समझता कि ब्राह्मण ऊंची जात का है इसको थोड़ा कम कम चुभा भूख तो भूख ही है भूख है तो निर्धनता के कारण जो पीड़ा है वह उसमें जात नहीं है चाहे वह ब्राह्मण हो चाहे कुछ ही जात का हो सबको समान है यह आर्थिक और सामाजिक विषमता है कि ब्राह्मण गरीब होते हुए भी अपने को समझता है मानसिक तौर पर कि मैं ये जो गरीब है पिछड़ा और दलित वाला मैं उसे ऊंचा हूं क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं तो ये ये जो भाव है ये है जन जाति के कारण तो जाति के कारण जो विषमता है उसको और धन के कारण विषमता है दोनों को दोनों को समान रूप से तोड़ो संतुलित लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अगर आर्थिक विषमता को छोड़ करके केवल सामाजिक विषमता को लेकर चलोगे तो इससे वर्ण संघर्ष पैदा हो जातीय संघर्ष पैदा होगा जो आज भारत गुजर रहा है आज जातीय तनाव पैदा हो जाएगा केवल अर्थ को तोड़ने लगोगे तो ये जाति के कारण उसकी उसकी सुरक्षा देगा कि अगर किसी ब्राह्मण के संपत्ति पर हमला करो हम, हम हमला हमला करने वाला पिछड़ा है तो वो ब्राह्मण अपनी जाति के लोगों को बुला के कहेगा कि हम ब्राह्मण है ना इसीलिए देखो सब यादव से मिलके हमारे खेत को लूट रहा है तो जाति के कारण फिर उसके धन को सुरक्षा दे देगा इसीलिए दोनों को तोड़ो दोनों को वर्ग विहीन और वर्ण विहीन तो हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं अभी रामन और लोहिया जी का जो आपने जिक्र किया विस्तार से उनकी बातें बताई इसी में से एक सवाल मेरे दिमाग में है एक बहुत से लोग कहते हैं कि जाति हिंदू धर्म का आधार है जाति हिंदू धर्म का गहना है कुछ लोग कहते हैं कि जातिवाद अभिशाप है समाज के लिए रामन और लोहिया ने मेरे ख्याल से अंतर विवाह का ऐसा जो पैरवी की थी वो चाहते थे कि अंतर विवाह हो तो जातिवाद के जो संकीर्णता है उसकी दीवार अपने आप ढह जाएगी हुक्म नारायण जातिवाद के अंत को लेकर के क्या फार्मूला सुझाएंगे जातिवाद होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए ये पिछड़ा दलित तो ओबीसी कब तक चलेगा आखिर आजादी के पिछहत्तर वर्ष पूरे हो चुके हैं देखिए जब तक कास्ट सिस्टम है जी। तब तक कास्टिजम है जड़ क्या है कास्ट सिस्टम अगर कैपिटलिज्म है तो अंबानी और अदानी भी रहेंगे टाटा रहेंगे बिरला रहेंगे रहेंगे। अगर कास्टी, कास्ट कास्ट सिस्टम रहेगा इसको एक पूरा करना जो कैपिटलिज्म की बात हुई जो पूंजीवाद की बात हुई तो वामपंथ अब तक जीवित है उस पर भी आप बाद में अपने विचार करना पहले इसका जहां बता देता हूं आप देख लीजिए तो कुछ लोग कहते हैं कि कास्ट कास्ट सिस्टम रहे लेकिन कास्टिज्म नहीं रहे कास्टिज्म रहे तो जिसको आप कहिए परिवार नियोजन है, है। जी। क्रियाएं सब हो लेकिन संतान पैदा नहीं हो लेकिन व्यवस्था में ऐसा नहीं हो सकता है जी, नहीं जब उसका पेड़ है तो फल लगेगा फल लगेगा तो डॉक्टर लोहिया हम लोग कहते थे कास्ट सिस्टम को खत्म करो और हिंदुस्तान में एक है वर्णवादी जिसको कहते हैं कि जाति दलित जाति दहजन घर के यहाँ जाओ भोज करो उनके यहाँ खिचड़ी खिलाओ सामान करो उनका उद्धारक बनो जी। उधारक बनो लेकिन वो भी भूल जाते हैं कि राम जब गए हैं जंगल में तो राम केबट किस केबट की शर्त पर गंगा पार हो रहे हैं केबट ने शर्त रखा ना जी जी पहले हम अपनी शर्त है तो आप अपना पैर हमको धोने दीजिए तब तो पार करेंगे तब तो पार करेंगे तो राम ने क्या कहा अच्छा जो भाई तेरी मर्जी कर ले कर ले ये राम राज की प्रथम ईट है कि प्रजा की मर्जी से ही राजा करे ये अलग थेसिस है आगे बढ़िए जहां जाए सबरी के यहां गए उसका उदाहरण देते हैं तो सबरी के यहाँ राम बैठते हैं तो सबरी के साथ बराबर के आसन पर बैठते वही चटाई पर और सबरी को राम क्या कहते हैं भामनी माता माता नहीं। नहीं। और जब सबरी उनको अपनी वेदना बताती है एक मांगती कहूंगा आप भी समझिए सब नर नारी समझे कि कितनी वेदना है आज की नारी के साथ भी जोड़िए उसको जी। जब सबरी से हाल पूछते तो सबरी क्या कहती है अधम ते अधम अधम यति नारी अतिन मोह मैं मति मंद अघारी कि मेरी बात क्या कहते हो अधम ते अधम अधम अति नारी अतिन मोह मैं मति मंद अघारी और उनके यहाँ आ गए हो तो वहां राम बराबरी में बैठते हैं उनको क्या कहते हैं माता और उनको कहते हैं कि आपके पास में तो नवधा भक्ति है और आपसे श्रेष्ठ भक्त भक्ति किसी के पास नहीं पृथ्वी में है तो अगर आप अगर आप दलितों के साथ पिछड़ों के साथ जाइए तो राम और सबरी का जो भाव है उस भाव से उस भाव से जाइए अगर संवेदना रख करके सहानुभूति रख हम हम इनका उद्धार करने आए हैं तुम के मेरा उद्धार करने वाले कौन हो कोई कहे हम पिछड़ों का और दलित का उद्धार करना चाहते हैं तो मैं कह रहा हूं तुम उधार करने वाला कौन है तुमको क्या अथॉरिटी है तुम मुझको क्या समझता है पिछड़ी और दलित अपना उद्धार स्वयं करेगा तुम हटो मैदान से तब तब मेरा रिएक्शन ही होगा लेकिन लेकिन डॉक्टर अंबेडकर भी महान बने लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के साथ साथ उस समय उस ब्राह्मण शिक्षक ने अपने समाज के तिरस्कार को सहते हुए डॉक्टर अंबेडकर को शिक्षा देने का जो mm. साहस किया तो डॉक्टर अंबेडकर के साथ साथ उस समय का वो ब्राह्मण शिक्षक भी बंदनीय है mm. बंदनीय है और वो ऐसा शिक्षक चाहिए तब डॉक्टर अंबेडकर पैदा कर सकता है तब जाकर के जातिवाद पर भी तो जो संकीर्णता है वो खत्म लोग कहते थे कि जात की आधार रोटी नहीं है जात की आधार बेटी है रोटी के मामले में जातियां टूट गई कौन की उसको पूछता है लेकिन बेटी के मामले में जात है दो परसेंट एक परसेंट पांच परसेंट जो शिखर पर लोग हैं हाँ उनमें है कभी उनमें अगर एक परसेंट भी नहीं है एक परसेंट भी वो अपवाद है अपवाद उनमें अगर टूट गई जाती तो है तो कहते हैं टूट रही है ना नहीं वो अपवाद है सामान्य रूप से जिस दिन जिस दिन एक ब्राह्मण अपनी बेटी का विवाह अपने ही गोत्र के किसी लड़के से धूमधाम से करता है उसी तरह हिंदुस्तान के अंदर सभी जातियों के अंदर डॉक्टर लोहिया ने कहा तीन ब्राह्मण माने उच्च जात जी 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 ब्राह्मण का माने केवल ब्राह्मण नहीं ब्राह्मण क्षत्रिय उच्च उच्च जाती। उच्च जाति 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 स्वर्ण पिछड़ी जाती और दलित जीजी। दलित जीजी। तो डॉक्टर लोहिया ने कहा अंतर जातीय विवाह का मतलब इन तीनों में से किसी का बेटी हो तो किसी का बेटा हो जी जी ये नहीं कि ब्राह्मण भूमिया राजपूत जो एक जैसा है उसी में कर लिया तो नहीं अगर सबर्ण में से बेटा हो तो पिछड़ा या दलित की बेटी हो जी जी अगर इस 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 वर्ण के बेटी हो तो इस वर्ण का बेटा हो आ, मतलब आ, स्वर्ण वर्ग की बेटी हो हाँ। तो दलित वर्ग का बेटा बेटा हो तब समानता है आ, जब उस वर्ग की बेटा बेटी हो तो इस वर्ग का बेटा हो बेटा हो जैसे बिहार में अभी जो सम्भवी है वो हरजन है लेकिन उसका हसब भूमिहार है तो वो उदाहरण के तौर पर कहा वो हुआ तो डॉक्टर लुई ने कहा कि जब ये जाति तोड़ करके शादी करोगे तो आने आते 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 हिंदुस्तान में 150 पचास बरस में हिंदुस्तान के अंदर ये जातियां मिट जाएगी देगे। देगे। और तब हिंदुस्तान के अंदर एक जाति रहेगी वह जाति होगी भारतीय और तब तब भारत तब भारत संपूर्ण घावों से मुक्त होगा स्वस्थ भारत होगा सबल भारत होगा सक्षम भारत होगा एक भारत होगा श्रेष्ठ भारत होगा आप डॉक्टर लोहिया के इस थ्योरी से संघ परिवार और मोदी के थ्योरी के देखिए देख लीजिए कि डॉक्टर लोहिया वही कह रहे हैं नरेंद्र मोदी कहते श्रेष्ठ भारत डॉक्टर लोहिया कहते थे एक भारत श्रेष्ठ भारत कब जब हिंदुस्तान के चेहरे पर से सभी घाव मिटे तब घाव कौन है तो सबसे बड़ा घाव है जाति व्यवस्था कास्ट सिस्टम को खत्म करो और कास्ट सिस्टम के लिए एक ही उपाय करो तरीका बता दिया बस एक उपाय जो हम विवाह सरकारी नौकरी के लिए सरकारी नौकरी और सरकार से प्राप्त सुविधा के लिए अंतर जातीय विवाह अनिवार्य होगा सब आरक्षण खत्म कर दो सब अपने आप सही व्यवस्था हो जाएगी जा? अपनी सही व्यवस्था हो जाएगी आप सही व्यवस्था हो जाएगी तो चाहे मुलायम सिंह हो और चाहे लालू हो या कोई हो उसने समग्रता में डॉक्टर लोहिया को नहीं पढ़ा और चाहे जो कोई भी हो जो कोई भी हो नहीं पढ़ा डॉक्टर लोहिया राष्ट्रीयता के मामले में इतनी दूरी तक जाते हैं तो जब वो कहते हैं कि किसी न किसी दिन हिंदुस्तान में सच्ची राष्ट्रीयता वाली सरकार आएगी उस दिन इन राष्ट्र के गद्दारों पर मुकदमा चलाएगी और पंडित नेहरू पर कोर्ट में मुकदमा चला के पूछेगी बताओ तुमने मुल्क के साथ गद्दारी करके बंटवारा देश का क्यों किया ये डॉक्टर लोहिया के शब्द है साठ में समाजवादी आंदोलन के इतिहास में लिखा है लेकिन नेहरू मुस्कुराते थे उनका आदर करते थे इतनी तो थी आदर 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 करते थे लेकिन नेहरू के समय में इंदिरा के समय में संसद में डॉक्टर लोहिया को जितनी गालियां सुननी पड़ी है हिंदुस्तान के इतिहास में किसी नेता को भी संसद में उतनी गाली नहीं सुननी पड़ी होगी जितनी इतना सुनना पड़ा तो बात में कहा हूं तो अर्थ की विषमता न्यूनतम और अधिकतम तो हम कहते थे सौ से कम न हजार से ज्यादा जो सबसे कम हो वो सौ सबसे हजार सबसे ऊपर हजार इस संस्था में एक चपरासी का वेतन अगर सौ रुपया है तो इस संस्था का जो डायरेक्टर है उसका वेतन हजार रुपया होना चाहिए इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए इससे नीचे नहीं। नीचे।, नीचे दूसरा आय करने की छूट हो लेकिन खर्च करने पर रोक हो कि के सबके लिए खर्च पर सीमा लगाओ कि तुम इतना ही खर्च करोगे शादी में इतना ही खर्च तुम्हारा अपना जो कुछ भी जैसा अंबानी अदानी सब है ना तो उनके खर्च पर सीमा कि तुम अपनी कंपनी के आमदनी में से पांच परसेंट दो परसेंट एक परसेंट ही अपने निजी खर्चे अपने अपने वेतन भत्ते फल खर्च कर सकते हो खर्च कर सकते हो तो जब ये होगा लेकिन अब तो पूरी दुनिया में चर्चित हो रही है मुकेश अंबानी के बेटे की शादी जो है पूरे वर्ल्ड में उसी की चर्चा है महेश हम भारतीय हैं, हम अपनी संस्कृति अपनी अध्यात्म अपनी ग्रंथों को पढ़े बगैर हम अंधकार में भटक रहे हैं, अंधकार में जब तक आप समाज के अंदर जब तक भोगवादी संस्कृति को छूट देते रहो दौड़ने की छूट दोगे तब तक हिंदुस्तान में निर्धनता की निर्धनता भी नीच की पताल में जाती रहेगी गैप बना रहेगा गैप बना रहेगा भोगवाद को भोगवाद को रोकना है एक लिमिट लगाओ इस पर पार्लियामेंट में बहस हो जी। कि जैसे मैंने कहा ना सौ से कम हजार से ज्यादा एक और दस जी। जी। आप एक पंद्रह करो एक बीस करो हाँ, तो करो लेकिन कर। अभी ना मानो तो सबकी राय हो तो एक तीस कर लो लेकिन शुरुआत, शुरुआत करो आ, खर्च आय पर नहीं खर्च पर सीमा लगाओ पर सीमा। कि अगर महेश कमा रहे हैं तो अपनी अपनी इनकम का पांच परसेंट या दस परसेंट ही अपनी सभी चीजों पर खर्च करेंगे उससे अधिक अगर खर्च करेंगे तो उन पर दो सौ परसेंट टैक्स लगाएंगे तब करो हाँ, खर्च खर्च को रोको खर्च को रोको आय करने की छूट दो जितना कमा सकते हो कमाओ दोस्तों आपने हुक्मदेव नारायण यादव को सुना जातिवाद को लेकर के इन्होंने बहुत गहरी बात कही है रामन और लोहिया का जो दर्शन है वो सबके सामने रखा है रामन और लोहिया का जो दर्शन है वो जब तक दलित ब्राह्मण क्षत्रिय इनके बीच में आपस में शादी विवाह का बंधन शुरू नहीं होगा तब तक जातिवाद का अंत नहीं होगा और जब तक जातिवाद का अंत नहीं होगा तब तक एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा पूरी नहीं होगी आपने हमको समय दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद उपन्द्र नारायण ना जी चलिए धन्यवाद Thank you.